यूपी ट्रिपल एस सी पी ई टी का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। अब होने वाला है लेखपाल का एग्ज़ाम और यहाँ पे आयोग के द्वारा कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं दी गई है, लेकिन फिर भी सबको ये जानना ज़रूरी है कि आखिर सिलेबस क्या हो सकता है और उसके लिए क्या पढ़ना होगा। आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने की कोशिश करेंगे कि आपको क्या क्या तैयार रखना है अभी से। वीडियो शुरू करें उससे पहले आप इस ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें, जिसका डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। यहाँ पे आपको लेखपाल भर्ती के लिए फ्री स्टडी मटेरियल मिल जाएगी। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ क्लियर कर देते हैं कि आयोग ने इसके सिलेबस के लिए कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं दिया है। फिर भी अगर आप अपनी तैयारी को अभी से नहीं करेंगे तो जब ऑफिशियल सिलेबस आएगा उस समय आपके पास काफ़ी कम समय होगा, इसलिए ज़रूरी है कि आप कोई ना कोई सिलेबस लेकर के अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। यहाँ पे जो हम सिलेबस रख रहे हैं ये पिछली भर्ती के अनुसार होगा। हो सकता है कि इस बार का सिलेबस इससे अलग हो, लेकिन अधिकतर चांसेस हैं कि वो सिलेबस इसी के समकक्ष रहने वाला है। पिछली बार की भर्ती में क्या था कि 80 नंबर का पेपर होता था, 20 नंबर का इंटरव्यू, लेकिन इंटरव्यू हट चुका है, यानी कि अब पूरे के पूरे 100 नंबर के पेपर होगा। अगर आप बात करते हैं लेखपाल भर्ती की, तो उत्तर प्रदेश में 2015 में राजस्व लेखपाल और 16 में चकबंदी लेखपाल की भर्ती हुई थी, लेकिन इस बार ये यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा ही कराया जाएगा और ये होगा पीईटी के स्कोर पे, यानी कि पीईटी में जिन लोगों का अच्छा स्कोर होगा वहाँ पे लगभग 1,20,000 कैंडिडेटों को उठाया जाएगा और उन्हीं लोगों को मौका मिलेगा लेखपाल भर्ती में। यहाँ पे हम इसके सिलेबस के लिए ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना चुके हैं, आपको उसका डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि इसमें आपको कौन कौन सी बुक पढ़नी होगी। यहाँ पे जो सिलेबस होने वाला है, सबसे पहले आपको मिलेगा हिंदी, यानी कि सामान्य हिंदी। अगला होगा मैथ, इसमें आपको मैथ के भी क्वेश्चन मिलेंगे और इसके अलावा आपको जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान भी देखने को मिलेगा। इन तीनों के अलावा एक सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होगा जो सभी के लिए काफ़ी दिक्कतें पैदा करने वाला है और ये है रूरल डेवलपमेंट एंड रूरल सोसाइटी, यानी कि ग्राम समाज एवं विकास। यहाँ पे जो ऊपर के तीनों हैं यानी कि हिंदी, मैथ और जनरल नॉलेज, ये हम सब कई परीक्षाओं के लिए पढ़ते ही हैं, लेकिन जो ग्राम समाज और विकास है ये थोड़ा एक नया होगा और यहीं पर आपको अपनी तैयारी मजबूत करनी होगी। अगर क्वेश्चनों की बात करें तो आपको हिंदी 25 क्वेश्चन मिलेगा और मैथ 25, जो कि 25 नंबर का होगा, सामान्य ज्ञान उसी तरह 25 और उतना ही ग्राम समाज और विकास भी होगा, यानी कि 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। कुल मिला के 100 क्वेश्चन होगा, 90 मिनट आपको टाइम मिल सकता है और यहाँ पे जो माइनस मार्किंग होगी 1/2 होगी, यानी कि आप देख रहे हैं कि यूपी ट्रिपल एससी पिछले कुछ एग्जामों से 1/2 माइनस मार्किंग रख रहा है, तो यहाँ पर भी आपको 1/2 माइनस मार्किंग देखने को मिलेगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ क्लियर कर दें कि ये वीडियो प्रमोशनल वीडियो नहीं है। यहाँ पे चलिए बात करते हैं सबसे पहले हिंदी के लिए। तो सबसे पहले आपके पास लूसेंट सामान्य हिंदी की बुक होगी, अगर नहीं है तो आप इसे ज़रूर ले लीजिए और ये आपके किसी भी मार्केट में मिल जाएगी आसानी से। इस बुक को पढ़ने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपका जो बेसिक है वो क्लियर हो जाएगा। बेसिक क्लियर होने के साथ साथ यहाँ पे उतने नए क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाले हैं, तो उस नए क्वेश्चनों को देखने के लिए आपको एक और बुक पढ़नी पड़ेगी जो कि है आदित्य की, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो ये जो आदित्य पब्लिकेशन की बुक है, ये दोनों बुक आपको ऑनलाइन भी मिल सकती है और अगर आप वैसे जगह पे रहते हैं तो आपको मार्केट में आसानी से ये दोनों बुक मिल जाती हैं। तो देखिए, लूसेंट वाली बुक पढ़ने से आपका बेसिक क्लियर होगा और आदित्य वाली बुक पढ़ने से ये होगा कि आपको नए क्वेश्चंस के बारे में पता चलेगा, जैसे इस समय यूपी ट्रिपल एससी में, यूपी बीएड में, यूपी टेट में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो हिंदी के इन दोनों बुक के अलावा आपको एक ऐप भी डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस ऐप को ओपन करने के बाद अगर आप नीचे आते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे नीचे एग्जाम वाइज टेस्ट करके एक सेक्शन मिलेगा, जहाँ पे पहले नंबर पे है यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम। आप यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह दिखेगा, हिंदी ग्रामर, उत्तर प्रदेश जीके, जनरल नॉलेज, पिछले साल के पेपर और चैप्टर वाइज क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन को ओपन करके दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए, आपको हिंदी और रीजनिंग, हिंदी रीजनिंग और जीके यहाँ पे मिलने वाला है। फिलहाल हम हिंदी को ओपन करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये सारे वो क्वेश्चन होंगे जो अभी तक यूपी ट्रिपल एससी के विभिन्न एग्जामों में पूछे जा चुके हैं,
जैसे एक क्वेश्चन को हम ओपन करते हैं, तो देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इसमें अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, लोअर, जिसका एग्जाम डेट है 1/10/2019 सेकेंड शिफ्ट में। इसी तरह आपको जो भी पुराने क्वेश्चन है सब मिल जाएंगे यहाँ पे, आपको ये भी पता चलेगा कि किस एग्जाम में पूछा गया था। आप देख सकते हैं कि ये वाला क्वेश्चन लोअर में पूछा था जो कि 30/9/2019 को हुआ था। तो यहाँ आने से आपको एक बेनिफिट ये मिलने वाला है कि जो अभी तक UP SSC के विभिन्न एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपको मिल जाएंगे। हिंदी का जो भी क्वेश्चन होगा इस तरह आपको चैप्टर वाइज मिलेगा, इतना क्वेश्चन अभी तक UP SSC के विभिन्न एग्जामों में पूछा जा चुका है। क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होता है इसलिए इसको देखना बहुत जरूरी है। इसके अलावा अगर आप पिछले साल के पेपर में जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको UP SSC के ढेर सारे पेपर मिल जाएंगे, जैसे BDO, लेखपाल भर्ती जो कि 2015 में हुआ था, मंडी परिषद, वनरक्षक, जूनियर असिस्टेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर। तो यहाँ पे कोई भी पेपर खोल करके आप इसे टेस्ट के रूप में ले सकते हैं, तो उससे आपको ये पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी है। तो यहाँ से देखने से ये भी फायदा होगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं इस समय, ये आपको यहाँ से मिल जाएगा। इसके अलावा जो अभी तक आपने ये देखा सेक्शन की मतलब कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसको अगर आप वीडियो फॉर्मेट में चाहते हैं तो यहाँ पे एग्जाम वाइज वीडियो मिल रही है, वहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि UP SSC के लिए उपलब्ध है। इसके अलावा जो अगला सेक्शन है ये होगा मैथ का, यानी गणित। UP SSC के बहुत कम ऐसे एग्जाम है जहाँ पे मैथ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इस एग्जाम में मैथ के क्वेश्चन आएंगे। तो मैथ के लिए सबसे पहले आपको अपना बेसिक तैयार करना होगा। अगर आपका बेसिक तैयार है तब आप एक नई बुक ले सकते हैं, लेकिन अगर आपका बेसिक ही तैयार नहीं है तो सबसे पहले आपको किरण की ये वाली मैथ वाली बुक पढ़नी पड़ेगी जो कि हिंदी वर्जन में आती है। तो आप इसे पढ़ लेंगे अच्छे से, इसे आप पढ़ लेंगे तो आपके जो बेसिक हैं वो क्लियर हो जाएंगे। अगर आपका बेसिक क्लियर है या फिर आप इस बुक को पढ़ करके अपना बेसिक क्लियर कर चुके हैं तो उसके बाद आपको पढ़ना होगा राकेश यादव की मैथ वाली बुक। इससे पढ़ने से ये फायदा होगा कि आपको ट्रिक मिलेगा। अगर आप किसी चैनल को फॉलो करते हैं तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं करते हैं तब भी इस बुक को जरूर पढ़िए, यहाँ पे आपको कुछ ट्रिक मिलेगा। हालांकि इस चैनल पर भी आपको लेखपाल के लिए क्वेश्चन मिलने वाले हैं। अब बढ़ते हैं आगे, ये है जनरल नॉलेज यानी कि सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान में आपको GK में करेंट के क्वेश्चन बहुत मिलेंगे, 4 से 5 क्वेश्चन आप करेंट का मान सकते हैं 25 क्वेश्चनों में। तो करेंट के लिए आप चाहें तो SPD की पत्रिका ले लीजिए, जो SPD पब्लिकेशन की मंथली पत्रिका आती है उसे पढ़िए, या फिर अगर आप चाहते हैं तो कोई वेबसाइट को फॉलो करिए। अगर आप उस ऐप पे भी जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको डेली, मंथली और वीकली करंट अफेयर मिल जाता है। अब जनरल नॉलेज में आपको पढ़ना होगा उत्तर प्रदेश के लिए परीक्षा बाड़ी, क्योंकि यहाँ पे 25 क्वेश्चन में आपको कम से कम 15 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो कि उत्तर प्रदेश से रिलेटेड होंगे। अगर आप परीक्षा बाणी बुक पढ़ते हैं या फिर परीक्षा बाणी का एक और विकल्प है जो है घटना चक्र, तो यहाँ पे जो बुक दिख रही है ये थोड़ी 1 साल पुरानी पब्लिकेशन है, तो आप इसका नया वर्जन जो 2020 के लिए उसको ले सकते हैं। तो इन दोनों में से कोई एक बुक आप ले लेते हैं उत्तर प्रदेश के लिए तो आपका एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाला है। परीक्षा बाणी या फिर घटना चक्र, ये दोनों बुक अपने अपने जगह पे उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के लिए बेहतरीन है। जो अगला सेक्शन है यह है ग्राम समाज एवं विकास। तो ग्राम समाज और विकास में सभी लोग फंसेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आपने कभी तक पढ़ा नहीं होगा, जैसे कि एक लट्ठा में क्या होता है, या फिर फारलांग किसको बोलते हैं, एक जरीब में कितना मीटर होता है, कितने जरीब होती हैं, तो खसरा क्या होता है, खतौनी क्या होती है, तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से बनने वाले हैं। ये सेक्शन अगर जिसका तैयार है अच्छे तरीके से तो समझिए कि आप इस परीक्षा में अच्छा कर पाएंगे। तो इसके लिए आप चाहें तो यूथ कंपटीशन का ये वाली बुक ले सकते हैं जो कि है उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग द्वारा आयोजित राजस्व लेखपाल परीक्षा स्पेशल ग्राम समाज एवं विकास। तो चाहे तो आप ये बुक ले सकते हैं जो कि ऑनलाइन भी उपलब्ध है, या फिर अगर आप चाहें तो अरिहंत का ये बुक ले लीजिए जो कि आपके मार्केट में मिल जाएगी। तो ये दोनों बुक अच्छी हैं, चाहे इसमें से आप जो मर्जी वो खरीद सकते हैं। दोनों अच्छी हैं। जो पिछली बार चकबंदी लेखपाल का पेपर हुआ था UP SSC का, तो उसके क्वेश्चन इसमें ऐड किए गए हैं, तो ये दोनों बुक अच्छी हैं, इसमें से आप कोई भी बाइक कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमने आपको बताया कि कौन सी बुक आपको पढ़ना चाहिए लेखपाल में एक सीट सिक्योर करने के लिए। तो इन बुकों के साथ आपको इस ऐप को जरूर फॉलो करना है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करने के साथ अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। थैंक यू।